ये है रांची का सिद्धो कान्हो वेलोड्रोम स्टेडियम। इसी में साइकिलिंग इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। आज पहले दिन 3 इवेंट का आयोजन हुआ। पहला इवेंट 1500 मीटर टीम टाइम ट्रायल इवेंट पुरुषों के लिए था, जिसमें पंजाब की टीम को स्वर्ण, सर्विसेज को रजत और झारखंड की टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल के साइकिलिंग इवेंट्स में चौथे दिन 7 इवेंट्स का फाइनल हुआ। 2 इवेंट था स्प्रिंट रेस का, 2 पॉइंट रेस और 2 स्क्रैच रेस। स्प्रिंट रेस में पुरुषों और महिलाओं के लिए, पॉइंट रेस पुरुषों और महिलाओं के लिए, और स्क्रैच रेस भी पुरुषों और महिलाओं के लिए। एक कैरन रेस हुआ जो पुरुषों के लिए हुआ। आइए देखते हैं उसके मुख्य अंश। और आपके सामने होने जा रही है एलीट मैन 200 मीटर स्प्रिंट फाइनल। 34वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत साइकिलिंग इवेंट्स के छठे दिन रोड इवेंट्स के 2 फाइनल्स हुए। 70 किलोमीटर टीम टाइम ट्रायल पुरुषों के लिए और 42 किलोमीटर टीम टाइम ट्रायल महिलाओं के लिए। दोनों फाइनल्स के मुख्यांश आइए देखते हैं। ने अपनी घड़ियां, स्टॉप वॉचेस, क्रोनोमीटर्स। प्रैक्टिस तो कमलवेल की काफ़ी लंबा कैंप चला था हमने जी जी। उसके बाद हमने ब्रेक कभी नहीं किया प्रैक्टिस, काफ़ी पटियाला NIS में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा था जी जी। तो आप खुश हैं अपने इस परफॉर्मेंस से? हाँ, खुश तो है, लेकिन जैसा मान लीजिए आपने सोचा था कि हम इतना क्लॉक करेंगे इतने कम समय में, हम टारगेट तो हाँ था, टारगेट तो और भी अच्छा करने था नेशनल रिकॉर्ड का, लेकिन ये ट्रैक फास्ट तो है और काफ़ी बम्पी था, उसमें स्पीड पीछे आ गया फिनिशिंग में। और आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि कहाँ तक आप जैसे ओलंपिक्स में चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में उसमें भी मेडल प्राप्त करने की आप सोच रहे हैं? हाँ, या पहले तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पहले एशियन चैम्पियन, पहले एशियन तक तो हम टारगेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे ओलंपिक्स तक। मुझे लग रहा है कि नेशनल गेम्स में ये आपका दूसरी बार आप चैंपियन हुए हैं इस इवेंट में। हाँ, लास्ट टाइम भी 3 गोल था, 3 गोल्स था जी जी। इस बार भी 3 गोल्स तक, 3-4 गोल्स तक टारगेट कर रहा था। एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स तो हम पार्टिसिपेशन था, उसमें मेरा नी पेन थोड़ा था। अच्छा अच्छा। लेकिन स्प्रिंट में क्वालिफाइंग में रिकॉर्ड तो किया था। अच्छा अच्छा। और आप आगे के भविष्य योजना क्या है? और अच्छा करेंगे, टाइमिंग अच्छा करेंगे इंडिया के लिए भी। उम्मीद तो रजत की करना था, क्योंकि जो अपने सीनियर हैं वो विक्रम सिंह, वो पिछले काफ़ी साल से इसके चैंपियन हैं। जापान जो पिछले बार टीम गई थी उसमें भी उन्होंने इंडिया रिकॉर्ड का टाइमिंग किया था, और वो अच्छे राइडर हैं, अच्छे सीनियर राइडर हैं, तो उनको बीट करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन कोशिश तो जारी रखेंगे। नहीं, लेकिन ये तो दिमाग में रहता है ना कि अपने आप जब तैयारी करते हैं तो दिमाग में रहता है कि हम ये जो क्लॉक कर रहा है, जो भी नेशनल चैंपियन है या एशियन चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियन है, वो क्लॉक करता है, तो उस तरह से ही हम उसके नज़दीक पहुंचना, तभी तो आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, कोशिश तो करते हैं, ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं ताकि फर्स्ट हो। हर बार सिल्वर से तो काम नहीं चलता, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द। और ये बताइए कि हरियाणा में वेलोड्रोम और साइकिलिंग की कुछ अच्छी सुविधाएँ हैं उपलब्ध? ये थोड़ी समस्या है सर हमारे साथ, क्योंकि हमारे हरियाणा में अभी वेलोड्रोम नहीं बना है, कोई वेलोड्रोम साइकिलिंग का ग्राउंड नहीं है हरियाणा में, कहीं भी वेलोड्रोम नहीं, नहीं, नहीं कहीं भी नहीं है, नहीं है सर। और जो भी बच्चे हैं वो रोड पे ही प्रैक्टिस करते हैं, उस दौरान इंजर्ड भी होते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, कोचेज की भी थोड़ी फैसिलिटीज नहीं है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि 2-4 कोच तो कम से कम अपॉइंट करें, अगर इक्विपमेंट दे थोड़ा, अगर वेलोड्रोम हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट नेशनल गेम या नेशनल चैंपियनशिप में एटलीस्ट इंडिया रिकॉर्ड तो हम करेंगे ही करेंगे। नेशनल गेम्स के लिए पूरी जान लगा के मैंने ट्रेनिंग किया है, मगर घर में भी कुछ प्रॉब्लम था, मैं घर में सबसे बड़ी था, सबसे बड़ी मतलब घर पे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटा था 3 साल का, और मेरी घर पे हम 3 भाई रहते हैं, तीनों में मैं बड़ी हूँ, और घर की मेरा भाई का अभी डिलीवरी केस का टाइम हुआ था, थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैं नेशनल में खेल नहीं पाया, पटियाला में एक नेशनल हुआ था फरवरी फास्ट वीक पे, वो मैं पार्टिसिपेट कर नहीं पाया, सीधा मैं ट्रेनिंग भी
करने का मन था मगर कुछ प्रॉब्लम था इसलिए बहुत कम किया था। और इस नेशनल के लिए मैंने 5 गोल्ड टारगेट किया था, आज तक 2 ले लिया, 1 सिल्वर हो गया, मिस हो गया, अभी 3 लेने के लिए। पहले आपको ये राष्ट्रीय खेल में कोई पदक मिला था? मैं 2001 पंजाब नेशनल गेम्स में 5 गोल्ड मिला था, मैं बेस्ट एथलीट वुमेन अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद पंजाब असम में हुआ था नेशनल गेम्स 33rd नेशनल गेम्स, उसमें भी मेरा 5 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मिला था। साइकिल ने मेरी ज़िंदगी दिया है, मेरे लिए नाम सिर्फ साइकिल ने दिखाया है। जब मैं पढ़ाई करके रहेगा तो मैं पता नहीं चलेगा, मैं साइकिल चला के आया तो मेरा नाम सबको पता है, सभी इंडिया में पता है रामेश्वरी कौन है, ये कौन है। तो मैं जब मैं साइकिल छोड़ेगा तब भी मैं साइकिलिंग फेडरेशन में मैं मैनेजर वो मेंबर बन के कुछ ना कुछ करके। 34वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत साइकिलिंग इवेंट्स के 7वें और आखिरी दिन रोड रेस के 2 फाइनल्स हुए। 80 किलोमीटर रोड रेस फाइनल पुरुषों के लिए और 48 किलोमीटर रोड रेस फाइनल महिलाओं के लिए। क्या ही जोरदार शुरुआत, क्या ही जोरदार रेसिंग और क्या ही जोरदार समापन, रोमांच और एक्साइटमेंट से भरपूर इन दोनों फाइनल्स के मुख्यांश, आइए देखते हैं। और ये रही तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पाना चौधरी राजस्थान की 45:30 के साथ। दूसरे स्थान पर सिल्वर मेडलिस्ट हेलन देवी मणिपुर के 45:06 के साथ। और ये रही स्वर्ण पदक विजेता मोहिता मोहन केरला की पहले स्थान पर 44:23 के साथ।